किनको किनको खाना बहुत पसंद है? वेजिटेबल बिरयानी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है रेनू मौर्या चैनल पर आप सभी को। तो दोस्तों, आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने चावल को भी पका लिया, इसका पानी निकालना है। तो बिरयानी बनाने के लिए देखिए, इतना सारा सामान हमने ले लिया। सोयाबीन, मटर, लहसुन, प्याज और आलू कटा हुआ काट के धो लिए हैं, और 3 टमाटर है, 4-5 मिर्ची हरी है, और धनिया 2 पेड़ है। तो इन सभी को हमने इकट्ठा कर लिया बिरयानी बनाने के लिए। आज आप लोग क्या बनाएं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्याज को कोचअप कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कोचअप कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पर और तेल डाल दिया। ये तेल वही तेल है जिस रात को हमने इस पर खस्ता बनाया हुआ था, तो बचा हुआ तेल है उसी में हम देखिए फ्राई कर रहे हैं सोयाबीन को। तो सोयाबीन को हम फ्राई कर लिए हैं, इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा और तेल डालेंगे इसमें। अब आलू को हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, अब आलू को हम फ्राई करेंगे। अब आलू को डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से खूब तेज आंच करके इसको हम फ्राई करेंगे ताकि चिपके ना। तो आलू हमारा भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम तेल जो बचा हुआ है उसी में देखिए एक दालचीनी डालते हैं, और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, लौंग 2 और 4-5 काली मिर्च, ये सभी को डाल दिए। तड़क रहा, अब हम जीरा को डाल देते हैं। जीरा को भी हमने डाल दिया, ये तड़क गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज वही है दोस्तों जो हमने कोचअप करके रखा हुआ था। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो कलर चेंज हो गया। अब देखिए, इसमें लहसुन हम डाल देते हैं, कोचअप किया हुआ बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डालते हैं मटर। लहसुन को पका लेने के बाद हमने मटर को डाला है। तो मटर हल्का सा नरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, इसमें हम पीस लिए हैं। तो टमाटर को हम डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से चलाना है ताकि टमाटर थोड़ा थोड़ा पक जाए, इसका स्वाद तभी अच्छा आता है दोस्तों। तो टमाटर हमारा पक गया है। अब इसमें लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला अब सभी को डाल दिए हैं, और इसमें हल्का सा पानी मिक्स करके और धनिया चलाएंगे ताकि मसाला हमारा पक जाए। पानी अभी मिक्स नहीं किए हैं पर इसको चला लेते हैं ना, तो पानी मिक्स कर दिए हैं। तो मसाला हमारा लगभग पक के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों, जो फ्राई किए हुए हैं ना आलू और सोयाबीन, इसको हम मिक्स करते हैं और इनको डाल के खूब बढ़िया से हम इसको चला लेते हैं ताकि इसमें मसाला बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मसाला इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी। तो पानी हमने डाल दिया है, अब इसको हम चला लेते हैं। अब इसमें हम मिक्स करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक भी हम डाल दिए हैं। अब इसको हम चला के कम से कम 5 मिनट के लिए ढकेंगे, क्योंकि आलू अध पका था। तो अब आलू को भी पकाना है, और ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी हो जाए, तो इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुका दोस्तों। तो देखिए, बिरयानी के लिए ये सब्ज़ी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं चावल। देखिए, चावल को हम इसमें तेल नहीं डाले थे, भूल गए थे, इसलिए भर भरा नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं। चावल को हमने इस पर फैला दिया है और हरी धनिया मिक्स कर दिया है इस पर ऊपर से, और इसको हम बढ़िया से चला लेते हैं। तो देखिए, बिरयानी हमारा इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ, मन करता खा जाऊँ।
तो देखिए दोस्तों, बिरयानी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो अब देखिए बिरयानी हमारी पक के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब हम बिरयानी को परोसने जा रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया, आज आप लोग क्या बनाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मस्त, ज़बरदस्त। इसमें है सोयाबीन, मटर, पनीर, आलू और भी बहुत सारा चीज़ डाला है। ये बन गया बिरयानी, वेजिटेरियन बिरयानी। गई आपका।